है वीवो का Y20, ठीक है। ये है दूसरे शॉप से, डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है। यहाँ पे न्यू फोल्डर है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको हमने यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे देखिएगा तो एक बार ये वीवो लिखा, लाइट भी आया, और उसके बाद ये लाइट बंद हो गया, ठीक है। ग्राफिक्स बिल्कुल इसमें है, यहाँ पे देख सकते हैं वीवो लिखा हुआ आ रहा है, शायद पता नहीं चल रहा होगा। तो आज हम इसी का रिपेयर करेंगे। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसको पहले कैसे ठीक करना है वो हम आपको दिखाते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। लाइट आया लेकिन आने के बाद ड्रॉप करके चला गया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पे दोस्तों दो कैपेसिटर है, ठीक है, ये टूटा हुआ है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या करना है हमें, अगर लाइट आ के ड्रॉप हो जा रहा है तो हमें पहले बूस्ट कॉइल और ये कैपेसिटर, इसको हमें दूसरा लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वही करेंगे पहले। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें ये बूस्ट कॉइल चेंज करना है, तो इसको हम निकालते हैं बाहर। इसको हमने दोस्तों बाहर निकाल दिया, यहाँ पे लगाते हैं दूसरा। ये हमारे पास दूसरा है दोस्तों, ठीक है। इसको हमें यहाँ लगाना है, इसको हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे एक है कैपेसिटर, ठीक है, इस कैपेसिटर को भी हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कैपेसिटर भी हमने दोस्तों लगा दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद चेक तो करेंगे। अब ना इसको चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले लगाते हैं हम, इसको ऑन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल्कुल आसानी से हमारा आ गया, ठीक है। तो ड्रॉप जब वोल्टेज कर रहा है तब आपको ये काम करना है, कैपेसिटर और बूस्ट कॉइल हमें ये रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा फर्स्ट बार में ये वोल्टेज ड्रॉप करके लाइट आके चला जा रहा था, ठीक है, बिल्कुल सही हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Gracias.